मेरा नाम जनक पलटा मंगेलीगन है। मैं इंदौर जिले के सनावदिया गांव में रहती हूँ। पिछले 35 साल से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अभी हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना वायरस का एक भयंकर भयानक वायरस है, जिसके कारण पूरे विश्व में, पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, शहरों में, गांव में, सब जगह बार बार इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा तरीका बचने का है। हमें 20 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे प्रदेश को संबोधित कर एक अपील की थी कि हम जनता कर्फ्यू करेंगे। 22 मार्च को देश ने जनता कर्फ्यू किया और ज्यादा लोग अपने घरों में रहे, बहुत बड़ी संख्या में, और बहुत लोग 5 बजे शाम को, जैसा उन्होंने कहा, उन सभी लोगों के सम्मान में धन्यवाद अर्पित करेंगे ताली बजा के या थाली बजा के। उसका पालन करने का बहुत बड़ा फायदा हुआ कि वो सब लोग एक दूसरे के मनोबल से परिचित हुए कि हम सब भारत में, हम सब एक दूसरे के साथ हैं, परिवार एक दूसरे के साथ हैं। हम केवल शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से एक दूसरे से दूर रहने का शब्द सोशल डिस्टेंसिंग दिया। उसके बाद 29 मार्च को उन्होंने हमें फिर लॉकडाउन का, पूरे भारत में लॉकडाउन का आदेश दिया गया सरकार द्वारा, और हमारे सबके हित में, और हम सब बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग अपने अपने घर बैठे हैं और हम सब अपने अपने तरीके से रचनात्मक काम कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, अपने जीवन के ऐसे पहलू जो हमें नहीं पता था उनको जान रहे हैं, अपना आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलकर बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे काम सोशल मीडिया पर लाइव होकर भी कर रहे हैं। जैसे हम लोग संदेश देते हैं आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर, और समाचारों पर, और एक दूसरे को, अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब एक और आह्वान किया है हम सभी से, पूरे भारत से, 130 करोड़ लोगों से, कि हम सब कल 5 तारीख को पूरा दिन अपने घर में, इन सभी दिनों की तरह 22 मार्च से लेके अभी तक जैसे रह रहे हैं उसी तरह रहना है। लेकिन एक उन्होंने हमें नया सूत्र दिया है, नया एक संदेश दिया है कि कल 5 अप्रैल रात के 9 बजे हम सब लोग अपनी बिजली की बत्तियां बंद करके, अंधेरा करके 9 मिनट अपना ध्यान सब पूरे भारत के साथ, पूरे विश्व के साथ, परमात्मा के साथ अपने ध्यान को केंद्रित करें और उस समय अपना प्रार्थना करें, जो भी हमारे मन में अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं, उनके बारे में सोचें, विश्व के कल्याण के बारे में सोचें, प्राणियों में सद्भावना के बारे में सोचें, और उस वक्त के लिए सबके पास कुछ ना कुछ साधन है। दिया जलाने की बात है, हमारे घर में, हमारे देश में हर धर्म के लोग
कुछ लोग मोमबत्ती जलाते हैं प्रार्थना के लिए, कुछ लोग दिया जलाते हैं, हम लोग मिट्टी का दिया जलाते रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने घर में आरती के लिए एक दिया अपने घर में हर रोज जलाते हैं। अगर हमारे पास ये सारी व्यवस्था अपने घर में है तो हम ये दिया इस तरह से जलाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि हम अपने मोबाइल फोन की या फ्लैश लाइट से उस अंधेरे में एक प्रकाश करके उजाले को प्रकाश की तरफ देखने की कोशिश करें। हम लोग यहाँ पर सोलर कुकिंग करते हैं, हमारे घर में माचिस का कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती और हम प्रार्थना भी करते हैं। और मैं बहाई धर्म की अनुयायी हूँ और हम रोज बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। और कल शाम को मैं मेरे पास सूर्य की दी हुई सूर्य के प्रकाश से चलने वाली सोलर मोमबत्ती है, मैं आपको जला के दिखाती हूँ। ये सोलर मोमबत्ती आप देखिए, कल शाम को 9 बजे हम यहाँ 5 लोगों का हमारा परिवार, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और मैं आप सभी को अपनी वो रोग निवारण की प्रार्थना भी सुनाती हूँ जो प्रार्थना हम कल करेंगे। आप सभी अपने अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म के अनुसार जिस भी इष्ट को मानते हैं उससे प्रार्थना करें कि हमारे देश ये संकट से हम संकट मुक्त हों, रोग मुक्त हों, जो लोग बीमार हैं वो सब ठीक हो जाएं और जो लोग स्वर्गारोहण कर गए हैं उनकी आत्माओं को ईश्वर शांति दे, उनके परिवारों के लिए संवेदना। और जितने लोग आवश्यक और अति आवश्यक सेवाओं में लगे हैं वो सभी डॉक्टर, नर्सेस, अस्पताल के हर कार्य में लगे हर वर्ग के लोग, स्वच्छता के करने वाले लोग, पानी की सप्लाई देने वाले लोग, मीडिया के लोग, सभी लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के सब धर्मों के लोग, सब जाति के लोग, सब वर्गों के लोग सुखी रहें, यहाँ के पशु पक्षी सुखी रहें, यहाँ के पेड़ पौधे स्वस्थ रहें, उन सबके लिए मैं एक प्रार्थना अभी करती हूँ। इसका नाम है आरोग्य की प्रार्थना। आरोग्य की प्रार्थना के बाद एक ईश्वर संकट मोचन है, उसके लिए एक प्रार्थना आप सभी के लिए अर्पित करती हूँ। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, हे मेरे ईश्वर, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि है, तेरा सामीप्य ही मेरी आशा, तेरा प्रेम ही मेरा सहचर है, मुझ पर तेरी अनुकंपा ही मेरी निरोगता एहलोक तथा परलोक दोनों में मेरी आपद सहायक है, वस्तुतः तू ही है सर्व प्रदाता सर्वज्ञ एवं
सर्व प्रज्ञ क्या ईश्वर के अतिरिक्त कठिनाइयों को दूर करने वाला अन्य कोई है? कह दो ईश्वर का गुणगान हो, वही ईश्वर है, सभी उसके सेवक हैं तथा सभी उसके आदेश से प्रतिबंधित हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा भेजा गया संदेश, हमारी सरकार के आदेश और उन सब सेवकों सेविकाओं जो इस समय मैं आप सभी को करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज इस देश के भारी संकट में जो सेवक सेविकाएं अपनी अपनी ड्यूटी के कारण और समाज सेवा के कारण और ईश्वर के नाम पर अपने देश को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, हम सबको बचाने में लगे हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हुए ये संकल्प मजबूत रखें, संयम रखें कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, हम पूरा ध्यान रखेंगे, पूरे आदेशों का पालन करेंगे और भारत माता की जय।